अगर आप आटा रोटी खा खा के बोर हो गए हैं तो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे की बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस रोटी, जिसे बनाना आसान है और टेस्टी भी लगती है। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। तो मैं यहाँ पे इस तरह से एक कटोरी ली हूँ, आप चाहे तो मेजरिंग कप भी ले सकते हैं या फिर कोई ग्लास भी ले सकते हैं। 2 कप पानी डालने के बाद इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच तेल। तेल डालने से चावल का आटा ज़्यादा स्टिकी नहीं होता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी का उबलने का वेट करेंगे। पानी को अच्छे से उबाल लेना है। जैसे ही पानी में उबाल आए, अच्छा सा बॉयल हो जाए, तब हम लोग इसमें डाल देंगे चावल का आटा। तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी ली हूँ। 2 कप पानी के लिए 2 कप आटा लेंगे। जितना पानी हम लोग यूज़ करेंगे उतना ही आटा हमें यूज़ करना है। आटा को डाल लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको इस तरह से ढक देंगे और ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और ये आप देख सकते हैं हम लोग का जो चावल आटा है वो अच्छे से पक गया है। इसको इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है। अब हम लोग इसको एक बड़ा पतीला में निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक पतीला में निकाल लेंगे। अब जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम लोग हाथों की मदद से इसका एक डो बना लेंगे। इस तरह से इसको स्मूथ करेंगे। इसको हल्का गर्म में ही गूंदना है, नहीं तो ये अच्छा से सॉफ्ट नहीं होंगे। अगर आपको चाहिए तो हाथों को थोड़ा सा गीला कर सकते हैं और गीले हाथों से इसको इस तरह से डो बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से स्मूथ कर ली हूँ और ये डो जो है काफ़ी स्मूथ हो गया है, सॉफ्ट भी है। ये देखिए इसमें कोई क्रैक्स नहीं है और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इस डो को इस तरह से रखेंगे और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और हम लोग का जो डो है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब डो का थोड़ा सा पोर्शन को उठाएंगे और अतलियों की मदद से इसको इस तरह से मैश करेंगे। जितना हम लोग इसको मैश करेंगे उतना ही सॉफ्ट बनेगा। अच्छे से मैश कर लेने के बाद इसको इस तरह से डो बॉल बना लेंगे, जैसे हम लोग रोटी और चपाती के लिए बनाते हैं। फिर इसको चकला में रखेंगे और थोड़ा सा राइस फ्लोर इसके ऊपर डालेंगे और अब इसको रोल कर लेंगे। जैसे हम लोग रोटी या चपाती के लिए रोल करते हैं बिल्कुल वैसे ही रोल कर लेंगे इसको। इसको रोल करते समय साइड थोड़ा सा क्रैक होगा, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है इसलिए साइड जो थोड़ा सा क्रैक होगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको रोल कर ली हूँ अच्छे से और हल्का सा हम लोग का साइड क्रैक हुआ है। इसी तरह से दूसरा को रोल करेंगे। तो इस तरह से डो बेल लेंगे और इसको राइस फ्लोर डाल के इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए मैं इसको रोल कर ली हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपका साइड जो है क्रैक नहीं हो और अच्छे से राउंड बने रहे, तो रोल कर लेने के बाद इस तरह से एक राउंड शेप का कटोरी लेंगे और इसको कट कर लेंगे। इसको कट कर लेने से ये बिल्कुल राउंड भी बनेगा और इसका साइड जो है क्रैक भी नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखिए कितना अच्छा राउंड बना है और इसका साइड भी क्रैक नहीं हुआ है। तो रोटी को बेल लेने के बाद अब हम लोग इसको पका लेंगे। तो पकाने के लिए मैं यहाँ पे एक तवा गरम की हूँ। मैं यहाँ पे मिट्टी का तवा गरम की हूँ। आप चाहे तो इसको आयरन तवा या फिर जो नॉनस्टिक तवा होता है इस तरह से बना सकते हैं उसमें भी। तो मैं यहाँ पे मिट्टी का तवा में बना रही हूँ। तो मिट्टी का तवा जैसे ही गरम हो जाएगा हम लोग रोटी को इसमें रख लेंगे। ध्यान रहे तवा को अच्छे से गरम करना है। रोटी को तवा में डाल लेने के बाद 10 से 20 सेकंड के लिए पकाना है। 20 सेकंड के बाद ही इसको इस तरह से पलट देंगे। पलट देने के बाद थोड़ा देर के लिए पका लेंगे। जैसे ही रोटी में बबल आने लगेगा तवा को हटा देंगे और इसको डायरेक्ट गैस पे सेकेंगे। तो गैस में सेकने के लिए इस तरह से एक सेकनी रख देंगे और इस तरह से रोटी को रख लेंगे। जैसे ही रोटी को रखेंगे गैस का फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से रोटी फूल के तैयार हो जाएगी। जैसे ही रोटी फूल जाएगी तो दूसरा साइड पलट देंगे और दूसरा साइड भी अच्छे से सेक लेंगे। रोटी को इस तरह से सेक लेने के बाद दूसरा रोटी बनाएंगे। तो उसके लिए तवा को गर्म करने रखेंगे, तवा को पोंछ देंगे और इस तरह से दूसरा रोटी को इसमें डाल देंगे।
इसको भी उसी तरह 10 से 20 सेकंड पका लेंगे। 10 से 20 सेकंड बाद इसको इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद थोड़ा सा बबल आने का वेट करेंगे, फिर इसको दोबारा से पलट देंगे। इस रोटी को हम लोग तवा में फुलाएंगे तो इस तरह से कपड़े की मदद से इस तरह से साइड साइड में थोड़ा सा प्रेस करेंगे। जैसे ही हल्का सा प्रेस करने लगेंगे वैसे ही हमारा जो रोटी है वो फूलने लगेगा। तो आपको जैसा पसंद हो आप उसी तरह से रोटी को बना सकते हैं, चाहे वो तवा में फुला सकते हैं या फिर गैस में भी फुला सकते हैं।